नमस्कार, मैं हूं जी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। भारतीय किसान संघ ने सौंपा तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन। विदिशा जिले के पठारी में भारतीय किसान संघ में किसानों की मांगों को लेकर एक ज्ञापन पठारी तहसीलदार के सीके तम्रकार को सौंपा। ज्ञापन में भारतीय किसान संघ ने कहा है कि किसानों द्वारा चलाए जाने वाला गैर राजनैतिक राष्ट्रवादी संगठन है, जो कि विगत 41 वर्षों से किसानों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाकर उनका निराकरण कराने का प्रयास करता आ रहा है, जिससे कृषि और किसानों के लिए लाभकारी बन सके। इसी तारतम्य में भारतीय किसान संघ मांग करता है कि वर्तमान 2020 में सोयाबीन और वध येलो मैजिक व स्टेम फ्लाइंग के कारण पूरी तरह नष्ट होने की कगार पर है, जिसका तुरंत सर्वे कार्य शुरू कराकर मुआवजा व बीमा राशि किसानों के खातों में डाली जावे। वहीं सन 2018 के मुआवजे की 25% राशि किसानों के खाते में डाली गई, शेष बची 75% राशि जल्द ही किसानों के खाते में डाली जावे। इसी के साथ ही खरीफ फसल सन 2019 की बीमा राशि जल्द किसानों के खातों में डाली जावे। उक्त मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि वर्तमान समय में COVID-19 की महामारी के कारण किसान के पास आय का दूसरा कोई सहारा नहीं है। जिला विदिशा तहसील पठारी से आशीष सेले की यह रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार। संबंध में ज्ञापन दिया है, इसमें क्या मांग रखते हैं? 22 की थी ना कल की, उसमें हम लोगों ने विशेष तौर पर जो वर्तमान में सोयाबीन उड़द की फसल दोनों को लेकर तहसील प्रांगण में आए। उड़द की फसल एलोमोजिक के कारण पूरी नष्ट हो चुकी है, उसी तरह सोयाबीन में भी स्टेम फ्लाई का इतना भयंकर प्रकोप है कि मुश्किल है 5% फसल भी इस हल्के में पठारी तहसील के एरिए में बची हो। और इसके साथ साथ हम लोगों ने 2018 में जो बीमा दिया गया था उसकी 25% राशि किसानों के खातों में डाल दी गई, उसके बाद सरकार का ध्यान नहीं गया। तो ये बिंदु भी हम लोगों ने जोड़ा है कि 75% राशि जो बची हुई थी वो भी किसानों के खातों में डाली जाए और 2019 के बीमा की भी मांग करी है।